देवी कात्यायनी नव दुर्गा के नौ रूपों में छठा रूप है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। स्कंद पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्द कोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी आदि, और शक्तिवाद में उन्हें शक्ति, दुर्गा, भद्रकाली और चंडिका कहा गया है। कात्यायनी शक्ति की आदि रूपा हैं। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों में विशेष रूप से कालिका पुराण, जो कि 10वीं शताब्दी में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। चंद्रहासो ज्वलाकरा शार्दुल वरवाहन कात्यायनी शुभ दधा देवी दानव घातनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और कन्याओं को अच्छा वर मिले इसका वरदान देते हैं। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए माँ के चरणों में और माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही बाधा और शादी में अगर नहीं बन पा रही है तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी भी देवी दुर्गा की तरह लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। इन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। शहद खाकर माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ का सरल मंत्र माँ कात्यायनी नमः है। इस दिन यानी नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और साधक को माँ के दर्शन, माँ का स्नेह और पूर्ण रूप से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कालंदी यमुना के तट पर की थी। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसके विषय में एक कथा प्रचलित है। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। कत के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने भगवती परारम्भा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या करी। महर्षि कात्यायन चाहते थे कि माँ भगवती पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लें। महर्षि कात्यायन की इतनी कठोर तपस्या देखकर माँ भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वे शक्ति की आदि रूपा हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठे और इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ, जिस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ होता है भैंस। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनसे वरदान प्राप्त करा कि कोई भी देवता या दानव उसको ना हरा पाए। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, महिषासुर स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे हार गए। कोई उपाय ना मिलने पर भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया। देवी ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष में भक्त 10 दिनों तक त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह सिंह पर विराजमान रहती हैं। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। माँ कात्यायनी का पूजन करने से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और वे अपने भक्तों को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम मनाती हैं। माँ का ध्यान गोधूली बेला में करते हैं। नवरात्रि में 6ठे दिन इनका जाप करना चाहिए। यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपणी परसिदम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अगर कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से कन्या को मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र। ओम कात्यायनी महामये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पतिम मैं करूते नमः। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।